से गोविंदपुर पुलिस ने एसबीआई के एटीएम से फर्जी मिस्त्री बनकर 7.5 लाख रुपए की चोरी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी के 7.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। गोविंदपुर बाजार स्थित एसबीआई बैंक परिसर से सटे एटीएम में गुरुवार की रात धीरेन, रितेश, नीलेश और अन्य 3 लोग पहुंचे, जहां एटीएम पर तैनात सुरक्षा कर्मी अजीत को एटीएम में खराबी आने और मरम्मत करने की बात बताई। उसके बाद मरम्मत करने के बहाने एटीएम से 7.5 लाख रुपए निकाल लिए। इस दौरान वे एटीएम को ठीक से बंद नहीं कर पाए और शटर गिराकर जाने लगे। इससे गार्ड अजीत को उन पर संदेह हुआ, तब उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर, बिष्टुपुर, कदमा में छापेमारी कर धीरेन, रितेश, नीलेश को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी के 7.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए, जबकि अन्य 3 अपराधियों के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है और गिरफ्तारी आरोपी एक सुरक्षा एजेंसी का कर्मचारी है। ऑफ इंडिया का एटीएम था, उसमें से जो सिक्योरिटी के कस्टोडियन थे उन्होंने चोरी करके 7.5 लाख रुपया निकाल लिया। बाद में इस घटना के कारित करने वाले जितने भी लोग हैं संलिप्त, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर के 6 आदमी थे, सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 7.5 लाख रुपया जो एटीएम का पासवर्ड की सहायता से निकाला गया था उसके भी बरामदगी की जा चुकी है। इन जगहों पर से गिरफ्तार की गई है, इनकी गिरफ्तारी विभिन्न जगहों पर, सारे सामानों की मतलब कुल राशि की भी बरामदगी विभिन्न जगहों के पास से। घटना तो कल रात की ही है ना? कल रात की गिरफ्तारी सर आज हुई है क्या? हाँ, सर किनसे कैसे जानकारी चली? पुलिस को बैंक एवं इनके द्वारा, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा बताई गई। कुछ उसके जानकारी नहीं दी, पैसा नहीं पड़ेगी क्या किया, कोई जानकारी हमको नहीं। अब पुलिस सूचना कर दी। आपको फिर कैसे पता चला कि पैसा कब निकाला, कब पता? जब हमने अपने सीनियर को फोन किया कि सर आप किसी आदमी को भेजे थे एटीएम ठिकाने के लिए, वो नहीं, तो हमने राजी सर को फोन किया, वो बोले कि हम भी नहीं भेजे किसी। फिर वो बाहर हमारे सीनियर से बाहर चेक किए तो पता चला कि कितना पैसा गया था, 750। लोग जानते थे लोग? नहीं, बस नहीं देखा।